हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लॉगिंग अप्रूवल नीड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तब पर भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग को डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको आज मैं आप लोग को बताऊंगा लॉगिंग अप्रूवल नीड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। आपको फेसबुक लॉगिन करने के बाद इस तरह के प्रॉब्लम आता है तो कैसे सॉल्व करिएगा। यहाँ पे आपको ओनली आ रहा है डेट ऑफ बर्थ का, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, आपको कोड का ऑप्शन आ रहा होगा जीमेल का, मोबाइल नंबर का, तो आपको मोबाइल नंबर भी खो गया, जीमेल भी खो गया, तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। तो इसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग को आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा और आसानी से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह से और जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक के द्वारा छोटी छोटी अपडेट मिलता रहता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं आरके हेल्प्स टू में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, ये आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मैं चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे। हेलो फ्रेंड, मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया हूँ। अगर आप लोग को लॉगिंग अप्रूवल नीड प्रॉब्लम चल रहा है तो आप लोग को कोई अकबकाना नहीं है, आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग एंड तक बने रहिए। अगर आप लोग को डेट ऑफ बर्थ फेसबुक में अटैच करता है, अगर आप लोग को फेसबुक में डेट ऑफ बर्थ जो भी डाला हुआ था वो डेट ऑफ बर्थ अगर आपको याद होगा तो आप लोग यहाँ से डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के कंफर्म आपको कर सकते हैं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं रहेगा तो कैसे करिएगा। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बता दीजिएगा कि डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें कि डेट ऑफ बर्थ का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप लोग इसके बारे में वीडियो बना के बना देंगे और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ऐसे में वीडियो बना के अपलोड कर सकें। तो आप लोग एंड तक वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है बर्थडे, मतलब आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा अगर आप लोग यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं तो आपको यहाँ से कंफर्म आईडी कर दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ से बैक हो जाना है। आपको सबसे पहले फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगा आईडी में वो आईडी यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर अपनी आईडी डाल के लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपको भी मोबाइल नंबर जीमेल ऐड रहता है फेसबुक में तो और आसानी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आईडी पासवर्ड डाल देने के बाद सीधे लॉगिन पे क्लिक करिएगा, तो आपको यहाँ से आपको आईडी लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखिए लॉगिन अप्रूवल नीड ये प्रॉब्लम आपको आ रहा होगा, ये अरुण मीना के नाम से आईडी है। अगर आपका ये प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से चल रहा है, आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपका यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक के द्वारा छोटी छोटी अपडेट मिलता रहता है। तो सबसे पहले इस तरह के इंटरफेस आने के बाद सीधे यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा सेंड पे, तो सेंड पर आपको क्लिक करिएगा। यहाँ से क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको मोबाइल नंबर पे कोड जीमेल का कोड आ रहा होगा लेकिन मोबाइल नंबर खो गया, जीमेल भी खो गया, इसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह के आने के बाद यहाँ सीधे यहाँ पे इस पर सेंड पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको जो भी फेसबुक में डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो आप लोग यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं, जो भी रहेगा डेट ऑफ बर्थ वो डाल के सीधे यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ से कंफर्म आईडी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कैसे कंफर्म होता है, आप लोग इस वीडियो में देखते रहिएगा, इसी प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इस तरह के कर देने के बाद यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। आप लोग लाइव प्रूफ के साथ देख लिए हैं, इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये आसानी से इतना जल्दी ओपन कैसे हो गया, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कैसे हो गया। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कारण था जो आपको आईडी ओपन हो गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आईडी ओपन करने से पहले आपको ये नियम फॉलो ज़रूर करना है कि आपका आईडी ओपन हो सके। सबसे पहले आपको क्रोम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है कंफर्म योर आइडेंटिटी। कंफर्म योर आइडेंटिटी सर्च कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक वेबसाइट दिख रहा होगा, इस वेबसाइट पे ओपन करते हैं। तो आपको यहाँ पे
कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए थ्री डॉट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। थ्री डॉट वाला ऑप्शन दिखते ही आपको यहाँ से चार नंबर पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पॉलिसी एंड रिपोर्टिंग, इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से कुछ यहाँ से फीडबैक आपको सेंड कर लेना है। यहाँ पे तीन चार तरह के कुछ ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपको हैक हो गया है तो हैक वाला पे क्लिक करिए, अगर आपको लॉगिंग नहीं हो रहा तो लॉगिंग पे क्लिक करिए, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है उस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर आपको रिपोर्ट देना है तो रिपोर्टिंग पे क्लिक करिए, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है, आपका अकाउंट हैक हो गया है तो हैक पे क्लिक करके अपनी प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको सेकेंड नंबर पर ऑप्शन दिख रहा होगा रिपोर्टिंग अ प्रॉब्लम विद फेसबुक, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आ जाता है। तो सबसे पहले नीचे की ओर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से आपको नीचे की ओर में ऐसे जाना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा यस या नो वाला ऑप्शन, तो नो वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको यस या नो दिख रहा है तो चलिए नो पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अदर पे ऑप्शन क्लिक करिएगा, क्लिक कर देने के बाद यहाँ से लिखना है कंफर्म योर आइडेंटिटी, कंफर्म योर आइडेंटिटी चाहे अकाउंट लिखकर यहाँ से सेंड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फीडबैक इस तरह के सेंड कर लेना है। सेंड करने के बाद आपको वहाँ पे जैसे मैंने बताया हूँ डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो आपको आईडी ओपन कर दिया जाएगा और इसी प्रकार से आपका अकाउंट ओपन आसानी से हो जाएगा। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब। आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, अगर आप लोग को वीडियो नहीं समझ में आया तो शुरू से एंड तक देखिए, जैसे मैंने बताया हूँ उस तरह से स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करिएगा, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोग को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हर हाल में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कैसे कीजिएगा, जैसे मैंने बताया हूँ उस तरह से स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो कीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। अगर आप लोग को जीमेल और मोबाइल नंबर ऐड रहता है तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा और आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक के द्वारा छोटी छोटी अपडेट मिलता रहता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।